मतदान केंद्रों के युक्तिकरण व नव सृजन के बारे में सामान्य जन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त प्रस्तावनाओं पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के कारण पहले से अनुमोदित मतदान केंद्रों के सृजन संबंधी 8 प्रस्तावनाओं में से विचार विमर्श करने के उपरांत 5 प्रस्तावनाओं को निरस्त कर दिया गया तथा 3 नए सृजन की प्रस्तावनाओं को स्वीकृत करके आगामी कार्रवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण व नव सृजन के बारे में सामान्य जन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त प्रस्तावनाओं पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के कारण पहले से अनुमोदित मतदान केंद्रों के सृजन संबंधी 8 प्रस्तावनाओं में से विचार विमर्श करने के उपरांत 5 प्रस्तावनाओं को निरस्त कर दिया गया तथा 3 नए सृजन की प्रस्तावनाओं को स्वीकृत करके आगामी कार्रवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। बैठक में भाजपा के मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजय शर्मा, भाजपा के महामंत्री हरीश शर्मा व जिला निर्वाचन कार्यालय से तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।